क्लास इलेवंथ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि परीक्षा हाल में आपको 50 नंबर तक कवर करा देगा। बड़ी ही रिसर्च के बाद में ये पेपर आपको बता रहा हूँ। मॉडल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार है और बहुत ही IMP क्वेश्चन इसमें मैंने सारे ऐड किए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कह दूं मैं 100% गारंटी ले लूं आपसे कि 40 से 50 नंबर तक का एग्जाम में फंसेगा। जो बच्चे मेरे द्वारा दिए गए 4 पेपरों को करके जाएगा ना, बिल्कुल उसे 65 से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई से भी जिले से आप हो। ठीक है, चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। एक पदार्थ में 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, वहां पदार्थ होगा C2H6। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है ना, वो है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, चुंबकीय जो क्वांटम संख्या वो विन्यास से संबंधित है। सिग्मा बंद और पाई बंद से, जो सिग्मा बंद होता है ना वो पाई बंद से प्रबल होता है। आयनन विभव का न्यूनतम, आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस। ठीक है, इसके बाद में यहां से अपन देखेंगे ये हो जाएगा इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी होती है, शून्य होती है। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। स्थिर ताप पर, यहां पर हो जाएगा आपका ये इतना। ठीक है, और किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। जल के अणु में HOH बंध कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। हो गया, यहां पर अपन बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा ये इतना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो SS अतिव्यापन, सिग्मा बंद, एंट्रोपी का जाएगा उष्मा गति की फलन, H2O की संरचना जाएगी आंतरिक ऊर्जा, जल की वाष्पन अभिक्रिया, उष्मा शोषी, और यहां से पांचवा आपका जाएगा गिब्स समीकरण, ये यहां से रहेगा। बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण। किस एंथैल्पी का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है, तो दहन की एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है, व्यवस्था की माप। सोडियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है, सोडियम जो है ना वो एस ब्लॉक का तत्व है। एथिलीन डाई ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथिलीन बनता है। यहां से अपन बात करेंगे ना, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये हो गया अपना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा और छठा बिल्कुल एकदम राइट रहने वाला है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए, डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखिएगा, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है उसके गुण लिखिए। परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम द्रव्यमान एवं आवेश सहित लिखिएगा। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर बताना है। संकरण के नियम लिखिए। लुईस अम्ल और लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बफर विलयन के उपयोग लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ये हो गया इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहा जाता है, ली शीतलीय नियम पर आधार पर किसी उत्क्रमण या अभिक्रिया की साम्यावस्था पर होने वाले प्रभाव को लिखिएगा। pH मान क्या है स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। नर्तष्ट समीकरण क्या है, E और E नॉट में संबंध बताइए।
किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एल्किन बनाने की प्रयोगशाला का विधि चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद में अपन यहाँ से बात करेंगे ऊर्जा अभिक्रिया, पावली अपवर्जन के नियम को लिए उदाहरण सहित बताना है। हुंड के नियम, हुंड के अधिकता बहुलता के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। यहाँ से हम बात करेंगे हेंस का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। ये आपका इसका थोर है। ये पूरा पेपर मैंने आपको एक मॉडल पेपर जो है मेरे पास आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है। आप तो मेरे द्वारा जो चार मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट कर लोगे ना, तो बिल्कुल दंके की चोट पर कह दूं आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपन अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर को कवर करेंगे।